यौन उत्पीड़न के मामले में बेंगलुरु की अदालत ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बता दें कि येदियुरप्पा के खिलाफ ये मामला 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि इस साल 2 फरवरी को येदियुरप्पा ने डॉलर कॉलोनी में अपने आवास पर मुलाकात के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हाल में ही हुए आतंकी हमलों को देखते हुए NSA और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ केंद्र शासित राज्य को लेकर रिव्यू मीटिंग की है। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना हो गए हैं। इटली यात्रा के दौरान वह मेजबान प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कुवैत में आग लगने की वजह से 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत हो गई है। इस पर भारत सरकार भी एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने एक अस्पताल में भर्ती भारतीय पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। पंजाब के लुधियाना के चीमा चौक के पास घोड़ा कॉलोनी में आग लग गई। यह घटना नगर निगम के गोदाम में घटी है। आग लगते ही दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। जहां एक और भीषण गर्मी ने सबका जीना मुहाल कर रखा है, वहीं सिक्किम में भारी बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले के तिस्ता बाजार के पास तिस्ता नदी के किनारे स्थित कई घर जलमग्न हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली में G7 शिखर सम्मेलन में मिलने की संभावना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और इस स्कीम को अधिक आकर्षक व कारगर तरीके सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी हर कमी को दूर करना चाहती है। दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी एक इंटरनेशनल सर्वे किया, जिसमें अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से जबलपुर के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा नाम के अंतर राज्य हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को बोर्डिंग पास दिए और टिकट बुकिंग काउंटर का भी उद्घाटन किया। इस हवाई सेवा के जरिए मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली शहर हवाई सेवा से जुड़ जाएंगे। नीट यूजी 2024 की धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की दलील सुनने के बाद 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उन्हें फिर से एग्जाम देने होंगे। मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल का है, जहाँ इस स्कूल के 2 बच्चों ने एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ाई की। इनमें से एक भारतीय सेवा का थल सेवा प्रमुख बना तो दूसरा नौसेना का अध्यक्ष। बता दें कि दिनेश कुमार त्रिपाठी 3 महीने पहले नौसेना के प्रमुख बने हैं। वहीं उपेंद्र द्विवेदी 30 जून के थल सेना का प्रमुख यानी आर्मी चीफ का पद संभालेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत 5 दिवसीय प्रवास के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट पहुँचे। यहाँ कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारी एवं स्वयंसेवकों से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार प्रवास के 5वें दिन वह गोरखपुर से प्रस्थान करेंगे और 4 प्रति में 20 दिन चलने वाले वर्ग में स्वयंसेवकों को बौद्धिक ज्ञान भी देंगे। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में एक नई अनोखी पहल शुरू की गई है। केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों में सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगी। सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुए कबीरदास उईके का पार्थिव शरीर पुलपुल ढोल आया गया। जैसे उनकी पत्नी ने पार्थिव शरीर देखा, वह बिलख कर रो पड़ी। सभी परिजनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बता दें कि शहीद होने की सूचना मिलने पर उनकी पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था। बस एक ही बात दोहरा रही थी, उनको कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। इसके बाद उनका राजकीय सम्मान और सामाजिक परंपरा से उनको अंतिम विदाई दी गई। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना कोई इसका टीजर आया है और ना ही इसे रिलीज करने का कोई डेट रिवील हुआ है। अजय देवगन ने कंफर्म किया है कि फिल्म 15 अगस्त को रिलीज नहीं होगी, इसमें थोड़ा समय और लग सकता है।